भाई बालों की हालत देख रहे हो क्या हो रही है। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारी राइड शुरू हो चुकी है फाइनली इतने दिनों के बाद, और इस बार हमारे राइड के साथी हैं हमारे सैम भाई। तो सैम भाई हमारी राइड कितने दिनों के बाद हो रही है वाली, मतलब हमने जो लास्ट वाली राइड की थी आई थिंक हरिद्वार वाली एंड टॉर्क पे करी थी हम, उसके बाद इधर डायरेक्ट आज कर रहे हैं। तो आज एकदम से अचानक से प्लान बना, तो अभी थोड़ा खाने के लिए रुके हैं, वहाँ बैठते हैं फिर आपको बताते हैं अपनी कहानी आज की शुरू करते हैं। तो अपनी कहानी मुंह की जुबानी और अचानक से जो प्लान बनते हैं ना बहुत ही मजेदार होते हैं। हाँ ये तो है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो यहाँ यहाँ बोल दो ना वॉन्डरिंग हर्षित राइडिंग विद पीस। ठीक है देखना वीडियो आएगी तो आप आओगे इसके अंदर। ठीक है ओके ओके भैया बाय बाय। गाइस काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही, करीबन एक महीने से ज़्यादा हो रखा है वीडियो नहीं आ रही है। तो पता है सैम भाई को भी पता है मेरी बात होती रहती है कि ऑफिस का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है ना, पीक टाइम पे चल रहा है, और एकदम से शेड्यूल में से हमने टाइम निकाला और आज राइड पे आ गए हैं। तो मतलब लास्ट मिनट एक घंटे के अंदर प्लान बना और एक घंटे के अंदर हम निकल चुके हैं राइड पे। तो अभी हमें जाना है कुरुक्षेत्र निकले हैं। कुरुक्षेत्र के बाद डिसाइड होगा कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है या वापस आना है। सो इस टाइम पीरियड में जितने दिन मैं गायब था उस टाइम के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आई हैं और बहुत सारे परचेजेस भी हुई हैं। तो चलो आगे बताएंगे, पर अभी अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अरे बजा नहीं, मेरी तो खत्म भी हो गई। अरे मेरी पड़ी है, चलो। हाँ 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 मज़ा आ गया भाई। तो गाइस आ चुके हैं अपने पुराने दिख रहा है मयूर ढाबा। तो यही अपना पुराना ढाबा, यहाँ आके स्टॉप्स लेते रहते हैं। तो अभी हमने बीच में कई सारे स्टॉप ले लिए, अब तो यहाँ पे दोबारा स्टॉप लिया है चाय के लिए। और अभी ना मैं कुछ माउंट्स वगैरह कुछ अलग अलग माउंट्स ले रहा हूँ क्रिएटिव शॉट्स के लिए। तो मेहनत चल रही है भाई, बताना कैसी लगी मेहनत और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो सैम भाई पीछे बैठ के बना रहे हैं बूमरैंग इंस्टाग्राम स्टोरीज, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। सुन रहे हो ना, नहीं सुन रहे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, फॉलो कर लेना दोनों को। वॉन्डरिंग हर्षित और राइडिंग विद पीस। आवाज नहीं आ रही है इनकी, मैं बता देता हूँ। वॉन्डरिंग हर्षित राइडिंग विद पीस फॉलो कर लेना। हाँ हाँ चाय के लुफ्त उठाओ, मौज लो, मस्ती लो। तो गाइस मेन हाईवे से नीचे आ चुके हैं और हमें यहाँ से यूटर्न लेना है भाई। यहाँ से यूटर्न लेना है फिर नेट 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर, चलो देखते हैं कहाँ तक चलती है आज हमारी राइड। लो भैया ले लिया यूटर्न भैया। ओहो क्या बात है, तुमने तो कतई जहर वाली आवाज निकाल दी। उजाला हो रखा भैया रोड पे, थोड़ा आगे आओ जरा। आहा जगमगा गई रोड रे, रोड जगमगा गई है रे। आगे से लेफ्ट टर्न वाले ना ध्यान रखना, गोप्रो लगा हुआ है तुम्हारे पीछे, ठीक है। बस अभी हम थोड़े टेस्टिंग शॉट्स ले रहे हैं, लोगों को बताओ यार कितनी मेहनत कर रहे हैं हम यार। बहुत ज्यादा इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, रात को रुक के शॉट्स ले रहे हैं आपके लिए यार। हम निकले इसीलिए बस शॉट्स लेने के लिए, आपको बड़े कंटेंट बना के देने के लिए।
कंटिन्यूसली कितने किलोमीटर हो गए सैम भाई? करीबन 60 या 70 जब से हमने हाईवे पार किया, मतलब हाईवे से इस रोड पे आए हैं। 60 to 70 किलोमीटर हो चुका है। इससे पहले टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं था, पर यहाँ पे मीरपुर मतलब यमुनानगर पार करके 17 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और यहाँ पे ठंड लगने लग गई है हमें। ठंडा लग रहा है, भी ठंडा लग रहा है। ना पे रुके अपना फिर से ब्रेक भाई लिटरली ना इस राइड में हम मजे करते हुए चल रहे हैं, कंटेंट शूट करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया राइड हो गया। मतलब हम पूरे रास्ते ना ऐसे इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं और पता नहीं बातें करते हुए बातें करते हुए बातें करते हुए बातें खत्म नहीं हो रही हमारी। भाई साहब पूरा जंगल वाला इलाका हो गया ये वाला, पूरी देखो सिंगल लेन है पूरा तो हो रहा है और दोनों तरफ इधर भाई इधर जंगल है और वहाँ पे पीछे लिखा भी हुआ था कि एनिमल्स आ सकते हैं रोड पे तो देख के चलाएँ, तो फॉरेस्ट वाला एरिया आ चुका है, यहाँ ध्यान से चलना पड़ेगा। ओ भाई देखो 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 मैंने अभी उसी की बात कर रहा था मैं आपको बोल ही रहा हूँ, एकदम से दिख गया आपका रिकॉर्ड हुआ, एनकाउंटर हो गया, रिकॉर्ड हो गया भाई। सेम वेयर भाई, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड बोला और सामने दिख गया। आ, मैंने बोला आ सकते जानवर, एकदम से दिख गया। तो मैं भी वही बोल रहा था। हाँ जी एक और ब्रेक यही ब्रेक ले लेते हैं फिर वो भी कर लेंगे, ठंड लग गया। चलो सही है। हाँ। ए मेरी जोहरा हाँ, सही है। भाई जैसे ही अभी आपने देखा हमने एनकाउंटर किया सांबर लेक, नहीं सांबर का सांबर लेक सांबर लेक आ जाते क्योंकि मैं सांबर लेक को कहता भी कुछ टाइम पहले। तो भाई साथ में ये कहेंगे बार बार चाय लेके आ जाता है, चाय का कप लेके आ जाता है, बार बार चाय का कप लेके आ जाता है। देखो आज हमारी जो राइड हो रही है ये ब्रेक वाली राइड है, इसमें हम कितने ब्रेक ले सकते हैं आज हम उसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो बने रहो देखते रहो कितने ब्रेक लेने वाले हैं। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और जाना, उसमें भी हम कितने ब्रेक लेंगे। 50 तो नहीं रहेगा, पॉइंट से भी रहेगा 25 किलोमीटर रहेगा। 25 किलोमीटर में भी देख लो हम कितने ब्रेक लेंगे। कुछ भी कहो मजा बहुत आ रहा है। आप लोग ही सोच रहे निकले ही क्यों, गर्मी रह लेते ब्रेक। नहीं यहाँ पे ना एक तो अचानक से ठंड लगने लगी क्योंकि पहाड़ शुरू हो चुके हैं और ठंड लग रही है, फिर तो बर्दाश्त नहीं हुई, टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया ना, जिसकी वजह से हम लोग झेल नहीं पाए, हमें रुकना पड़ा। अब हमने रुका नहीं तो यार खाना बनना पड़ा टेस्टी, तो खाना भी खा ही लेते हैं। हमने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। अब सोच रहे खटिया बाहर पड़िया थोड़ी सी नींद भी निकाल ही लेते हैं। तो अभी तो गर्मा गर्म चाय, टाइम क्या हो रहा है एक अपना हो रहा है खाली हो रहा है खाली मैं वही पूछ रहा था ना टाइम क्या हो रहा है, मेरी वाली भरी हुई है उससे रुकाने क्या मैंने पी ली। एलेक्सा संता बंता के चुटकुले सुनाओ। संता बंता का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे 2020 आ चुका है कोई और जोक्स तलाशो। संता बंता अपनी दोस्ती में बिजी है, जोक्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। एलेक्सा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने वॉन्डरिंग हर्षित के वीडियो देखे हैं? अरे सवालों से आगे जहां और भी है, अभी एलेक्सा के इंतहा और भी है। ये तो शायरी कर रही है रे। तुम इतनी पागल हो, चाहे कोई मुझे पागल कहे कहने दो जी कहता रहे। ओ भाई मारो भाई, अभी के लिए इतना काफी है, बहुत टाइम पास हो गया। चलो भाई ढाबे से निकलते हैं और मॉर्निंग हो गई है, यहाँ पे हम रात को रुके थे खाना खाने, फिर हम खाना खाते खाते चाय पीते पीते हमने ले लिया ब्रेक और यहीं पे थोड़ी स्नैप वगैरह ले ली और सही से हो गया, क्योंकि होटल लेते तो होटल लेने का फ़ायदा नहीं था और यहीं रुक गए, सही किया हमने। तो निकलते हैं सीधा पांवटा साहिब, करेंगे दर्शन
और फिर चलेंगे आगे। पांटा साहिब के द्वार में हमारा स्वागत है। एक्चुअली पीछे बहुत बड़ा द्वार था, वहाँ से हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से रिवर का व्यू है दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में कितनी सुंदर रिवर बह रही है सैम भाई, मज़ा आ रहा है, मतलब कितना मस्त व्यू है यार। और सामने हमारे सूर्य देवता जी ऊपर आ गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने रिफ्यूल कराया और यहाँ पे हम फ्रेश हो गए और यहाँ पे लोगों ने, भाई वगैरह हैं, इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी भाई। ओके भाई, बाय बाय, चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मस्त चाय बनाई थी। तो यहाँ पे भाई सब लोग बहुत ही बढ़िया थे पेट्रोल पंप पे, तो अच्छा लगा सबसे मिलके यार। जब मिलते हैं ना, बातचीत करते हैं तो मज़ा आता है, तो सब लोगों को अच्छा लगा हमसे मिलके भी, हमको भी उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि हमारे आगे आगे JCB सैम भाई आगे निकल गए हैं। सैम भाई हम आता, तो घर से हम अप्रॉक्सीमेटली 283 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने दोबारा रिफ्यूल करा लिया। अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ का फ्यूल आया मेरी बाइक में। फाइनली वी हैव जस्ट रीच्ड पांटा साहिब गुरुद्वारा और बाबा के दर्शन करने आए हम लोग यहाँ पे। तो भाई दर्शन करके बहुत मजा आया, पीसफुली अंदर शांति में, और वहाँ अलग ही पीस होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पीसफुल यार। जो ये बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना सैन, क्या बोलते हैं उनको, गुरबाणी भी चल रहा है, मज़ा बहुत ज़्यादा पीसफुल दे रहा है, तो मज़ा आया। और चलते हैं यहाँ से, और इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करने वाले हैं। हाँ पहले यहाँ से बाहर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो अभी जस्ट आए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके और बहुत ही पीसफुल था अंदर, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अगला पार्ट, अगली जर्नी अब यहाँ से शुरू करेंगे। सो वहाँ का एडवेंचर कुछ अलग है, पहाड़ यहाँ से शुरू होने वाले हैं, पहाड़ों का नज़ारे शुरू होने वाले हैं। सो अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। और सैम भाई कैसा लगा? एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मतलब इस राइड में 4 चांद लग गए खासकर ठंड की वजह से, और सुबह सुबह बाबा जी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। बस अब दर्शन हो गए तो हमारी राइड बहुत ही बढ़िया जाने वाली है। हम तो यही प्रेयर करेंगे सबकी लाइफ अच्छे से चले और सबको जो चाहिए उसकी विश पूरी हो, बस और हमारे भी बस एक कोरोना से जल्दी से राहत मिल जाए। बिल्कुल राहत मिल जाए, थोड़ा परेशान कर रखा है एक्चुअली लोगों का, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, पर हम दुआ करते हैं अच्छा हो और भगवान जो चाहेगा वही होगा, वही होगा। तो बस यहीं पर हम कहते हैं आपको टाटा बाय बाय और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, बढ़िया कंटेंट आ रहा है। सैम भाई को कर लेना राइडिंग विद पीस और मेरे को कर लेना वॉन्डरिंग हर्षित। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ़।